everyone, hello, welcome back to my channel. Hope you all are well. So, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ever stylish haul video. And guys, review भी हो जाएगा एक तरह से ever stylish का. तो guys, video start करने से पहले I just want to say you कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो then hi, I am Shreya Jaiswal and I make videos on fashion, beauty, skin care and a lot more. So guys, make sure that you subscribe to my channel अगर मेरा content आपको पसंद आता हो. And definitely follow me on Instagram, मैं वहाँ पे आजकल थोड़ा सा active हूँ. तो या चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो देखने के बाद पसंद आया तो लाइक जरूर करिए. सो गाइज, आपको यू नो पहले मैं रिव्यू दे देती हूँ कि ये कैसा है, मुझे कैसा लग रहा है, देन उसके बाद आपको डेमो मिल जाएगा. सो गाइज, इस तरीके की पैकेट में कुछ पैक होके आया था, बहुत अच्छे तरीके से पैक होके आया था. तो एक मैंने पहले मंगाया था और एक मैंने आज मंगाया, मतलब आज ही ये मुझे रिसीव हुआ है. एंड आई थॉट कि आप लोगों के साथ जल्दी से इसका हॉल वीडियो शेयर कर दिया जाए, वरना वीडियो आने में बहुत लेट हो जाती. सो इस वजह से. एंड पिछले वाला जो हॉल था ना, मैं उसका इयररिंग कुछ आपको वापस से दिखाऊंगी, बिकॉज मुझे उसमें एक फीडबैक आया था कि लाइटिंग की वजह से अच्छा से दिख नहीं रहा था. तो मैंने सोचा कि फिर से दिखा देते हैं. फिर हम चलते हैं. इसमें कुछ इयररिंग्स हैं, हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट है एंड पेंडेंट है. तो चलिए हम फिर देख लेते हैं. पैकेजिंग की बात करें बहुत ही अच्छी है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी. आप देख सकते हो इस तरीके की बॉक्स में, बड़ी क्यूट तरीके से बॉक्स में आई थी. एंड मैं आपको एक बॉक्स ओपन करके दिखाती हूँ. ओके, सो दिस इज आपका मेमो, कैश मेमो और बिल और ये प्रोडक्ट. अभी तो ये ना, मैंने इसको ऑलरेडी मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे इसका डालना था पोस्ट. सो इस तरीके से ये था, मतलब ये है. ओके, मेरा हेयर यस इस तरीके से था. ये पूरा ऐसे कवर था और मतलब एकदम डैमेज होने के चांसेस तो मुझे लग नहीं रहते. काफ़ी अफोर्डेबल ऐप है. मैं थोड़ा सा आपको एवर स्टाइलिश ऐप के बारे में बता देती हूँ. ये एक इंडियन ऐप है एंड गाइज COD पे अवेलेबल है, बट आपको COD के चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आप 600 के अंदर की शॉपिंग करोगे तो. गाइज, मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा लेट में रिसीव हुआ. मतलब आई जस्ट थिंक 10 to 15 days में ये मुझे रिसीव हुआ. ऐसे तो इसको मतलब 5 to 6 days में आ जाना चाहिए था, बट स्टिल ये मुझे बहुत ज़्यादा लेट रिसीव हुआ. बाकी मुझे इसका सब कुछ पसंद आया. एवर स्टाइलिश ऐप पर आपको यू नो इयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस एंड रिंग्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो. तो ये था एवर स्टाइलिश के बारे में. अच्छा ऐप है, अफोर्डेबल है और एक तरह से शीन ऐप का ना अल्टरनेटिव भी है. मतलब जो ज्वेलरी शीन ऐप पे मिलते थे जस्ट लाइक पेंडेंट वगैरह, वैसे ही डिटो आपको इस पर भी मिल जाएंगे. सो गाइज, ये है हमारे आज के एसेसरीज दोनों डिब्बों में. एंड अभी मैं आपको अच्छे तरीके से भी इसे दिखा देती हूँ. जो फर्स्ट मेरे पास है, दिस इज़ ये वाला इयर रिंग और मतलब जस्ट लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है. बहुत बहुत अच्छा है, मतलब स्क्वायर शेप का है, काफ़ी यू नो डिफरेंट स्टाइल का है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. सेकेंड थिंग दिस इज़ दिस झुमकी टाइप समथिंग. इसको हम झुमके नहीं, झुमकी बोल सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, इतना ही बड़ा है, मतलब इतना ही बड़ा है. अगर आपको यू नो बड़े बड़े झुमके नहीं पसंद है तो आप ये वाले ट्राई कर सकते हो. ये बहुत क्यूट, बहुत छोटा सा, एकदम ऑक्सीडाइज है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. इसे मैंने अपने बर्थडे पे भी पहना था. इयर रिंग है मेरे पास, दिस इज मतलब इयर रिंग और यू नो होप समथिंग लाइक. ये बहुत ही क्यूट है, मतलब मेरे पास एक पिंक कलर का लहंगा है तो उस पर ये ना बहुत ही नाइसली आता है. इसके में ना ये छोटे छोटे लीप्स बने हुए हैं, मतलब इस तरीके के, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है. मतलब मेरे ब्लैक टॉप पे दिख जाएगा अच्छे से, बहुत ही अच्छा है ये. एंड जो नेक्स्ट मेरे पास है डेट इज दिस ब्रेसलेट. ओके, सो ये निकल गया थोड़ा सा. एक्चुअली ये पहले ही रिसीव हो गया था और मैंने ना या इस तरीके का है, हाथ में पहनने वाला इस तरीके का है. बट आई एम सो थिन, मेरा जो मेरी जो रिस्ट है बहुत ज़्यादा पतली है, तो मैं इसे अपने हाथ में तो नहीं पहन सकती. बट स्टिल आई विल गिव इट टू माई मॉम और अपनी बहन को मैं दे दूंगी, वो इसे पहन लेगी. मगर बड़ा ही क्यूट है. इसमें जो उप्स इसमें ये जो लिटिल सा हर्ट देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. कड़ा मतलब ब्रेसलेट, मैं इसे कड़ा कह रही हूँ, सॉरी. दिस इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेसलेट और मतलब ये भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था. आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो परचेज दिस. ये जब ब्रेसलेट वाले सेक्शन में आप जाओगे ना, तो आपको ये फर्स्ट नंबर पे ही मतलब मिल जाएगा. समथिंग 100 rupees के अंदर का है. सबकी जो प्राइस है आपको उसमें मिल जाएगी. यू सी ये कितना प्रिटी है ना. आप इसको सेट भी कर सकोगे, मतलब इस तरीके से. मैं इसको ना थोड़ा सा सेट कर देती हूँ.
या जस्ट लाइक दिस. वाह ये मेरे हाथ में आ गया. आई एम सो हैप्पी कि ये मेरे हाथ में एटलीस्ट आ तो गया. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये. बहुत ही ज़्यादा इसका ना मतलब जो क्वालिटी है कोई देख के नहीं कहेगा कि 100 rupees का है, बिकॉज द क्वालिटी इज़ बहुत ही ज़्यादा बेटर है. द क्वालिटी इज़ रियली बेटर. और ना आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो. यस और ये बहुत ही बहुत ज़्यादा क्यूट है. इसमें ना हार्ट का डिज़ाइन बना हुआ है. यहाँ पे आई जस्ट थिंक AD वाला स्टोन लगा है एंड यहाँ पे क्यूट सा छोटा सा हर्ट है. तो अब हम देख लेते हैं द मेन थिंग्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. दिस आर दिस गाइस. ये बहुत ही अच्छा ये लॉन्ग चेन पेंडेंट है. यहाँ पे यू नो एक यहाँ पे ये मून है हमारे चंदा मामा और यहाँ पे ये तारा मतलब ये चांद सितारे बड़े अच्छे लग रहे हैं एक साथ. और ये मतलब इसकी ना साइज़ बड़ी ही अच्छी है, बट मुझे लगा ये जो सितारा है वो थोड़ा सा बड़ा होगा. मून की साइज़ तो सही है, बट आई जस्ट थिंक स्टार थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था. बट स्टिल बहुत ही अच्छा है. अभी मैं मुझे मन कर रहा है मैं अभी तुरंत इसे पहन लूँ. बट अभी हम डेमो भी देखेंगे. अभी हम पूरे जो भी जितना भी हमारे पास जो भी मैंने मंगाया है सबका डेमो अभी आपको मिल जाएगा. तो पहले आप ये देखो यार ये कितना क्यूट है. मतलब बहुत अच्छा है. मेरे इस टॉप पे बहुत अच्छे से जाएगा. आई एम सो हैप्पी. बहुत अच्छा है गाइस. सो नेक्स्ट थिंग इज दिस पेंडेंट. और ये ना इसकी तो बात ही अलग है. मतलब इसके अंदर ना छोटे छोटे एरो मार्क की तरह ये पूरा बना हुआ और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था. एक सेकेंड काफ़ी आपको ध्यान से इसे निकालना होगा वरना यू नो ये बहुत ही हल्के हैं. मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है तो आपको ना इनकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी वरना ये तो टूट जाएंगे. ओके टू हार्ड फाइनली मैंने निकाला. ओके तो अभी तो मुझे इसे सुलझाना पड़ेगा. आई जस्ट थिंक यस मुझे इसे सुलझाना पड़ेगा. तो ये ना थोड़ा सा ज़्यादा चिपकने वाला है. मतलब पूरा ऐसे ऐसे फिट हो जाएगा आपके नेक के पास. और आई जस्ट थिंक इस टॉप पे अच्छा लगेगा. लग भी सकता है. लेट मी चेक. वैसे मुझे इसका डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा लगा. थोड़ा सा ये फंसा हुआ है बट हम इसे छुड़ा लेंगे आराम से. हाँ हो गया. एक मिनट. इसके साथ ना चेन है. यस ये इस तरीके से है. हाँ ये आपका पीछे होगा और ये इस तरीके से ये दो है और ये दोनों आगे रहेगा. तो अभी हम चलते हैं फटाफट सबका डेमो देख लेते हैं और अच्छे से बारीक तरीके से देख लेते हैं कि ये कैसे दिखते हैं सारे के सारे चीज़. आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगे मेरे वीडियो को एक लाइक दे दो. मुझे सपोर्ट करो. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना. कोई भी चीज़ गलत लगी तो फीडबैक बताना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.